नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील त्रिपाठी फिर एक नई जानकारी के साथ। आज हम आपको एक नए प्रकार की चाय बनाना बताएंगे जो मैंने सीखी है डॉक्टर सैल सिंह से। डॉक्टर सैल सिंह सीडेराई में साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो रिसर्च की है वो बहुत बढ़िया की है, उसी में थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूँगा। उस एडिशन में ये हमने पारिजात के फूल ले लिए नीले रंग के, और ये गुलाब का फूल ले लिया है, और इसी में हम एक कप पानी मिला देंगे और इसको धीमी आंच में रख देंगे। ध्यान रखना है आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, एक भी उबाल तेज़ी से नहीं आना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें जब इसका उबाल आ जाएगा तब दूसरी मेथडोलॉजी से हम इसमें कुछ खास इंटीग्रेंट मिलाएंगे। दोस्तों, उस खास इंटीग्रेंट आपके सामने है, ये है सौंठ, पीपली और काली मिर्च। ये बराबर मात्रा में पिसा हुआ है। ये देखिए हल्का दरदरा दिखाई पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे घर में ही खलमूसर में कूटा था। जो घर में चीज़ें बनती हैं वो बहुत फाइन नहीं बन सकती। इसी चूरन को हल्का सा लेके हम मिला देंगे। इसके पहले हम देखें कि गैस में क्या हो रहा है। तो गैस में हम देख रहे हैं कि पानी जो है धीरे धीरे बॉयल होने लगा है, और इसमें से लाल रंग और नीला रंग दोनों रंग इसमें छूट रहे हैं। और जैसे ही ये सारे रंग इसमें छूट जाएंगे, इसको छान कर उसमें एक कप में हम ये एक चौथाई चम्मच इंटीग्रेंट मिला देंगे। और मिलाने के बाद जो है हम देखेंगे कि इसको वही लोग पी सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा परेशान कर रहा है, इनको थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइड है, जो अपने वजन से परेशान है, जिन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से भी है कि उनको ना चाहते हुए डायबिटीज़ भी हो गए। डायबिटीज़ चाहता ही कौन है, पर ये हो जाती है। इसका ये घरेलू इलाज में सहायक हो सकती है चाय। तो जिन लोग चाय बिना चीनी की पी रहे हैं वो लोग इस चाय को पी के एक ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक हैं, विज्ञान का मतलब ही है विज्ञान आओ करके देखें। तो पहले हम करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। देखिए पानी का रंग नीला हो गया है, दूसरी तरफ लाल हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हम इसे देख के समझ सकें। आप ये देखिए किस तरह से पानी का रंग लाल और नीले का ये मिक्सचर हो गया, और ये बहुत सुंदर चाय हमारी बनके तैयार होने वाली है। आप लोग भी इसे बना के पीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।